प्राचीन 20 पंथी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम पहुँचे 13 पंथी मंदिर श्री महावीर दिगंबर जैन में। शहर के हृदय स्थल में इस मंदिर का भव्य निर्माण भावना पत्थर से किया गया है। पत्थरों पर बारीक कलात्मक नक्काशी की गई है। यह मंदिर अपनी नक्काशी के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। मंदिर की साज सज्जा को काफी कलात्मक रूप दिया गया है। जहां पर मूल नायक के रूप में महावीर की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही अनेक वेदियों पर अनेकों प्रतिमा विराजित है। ये प्रतिमाएं भी काफी दुर्लभ और चमत्कारिक है। 13 पंथी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम पहुंची श्री दिगंबर जैन महावीर मंदिर 13 पंथी नसिया में। जहां आदिनाथ की मूल प्रतिमा विराजित है, वेदी पर मुनि शुभ्रतनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। ১৯৭৫ के बाद नागौर में आने वाले भयंकर बाढ़ से ये नसिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। नसिया परिसर में एक भव्य धर्मशाला भी निर्मित है। नसिया जी के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे श्री दिगंबर जैन महावीर 20 पंथी नसिया में। ये नसिया काफी भव्य और विशाल है। इसमें मूल नायक भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है, साथ ही साथ भगवान चंद्र प्रभु और नेमिनाथ की जिन बिंब स्थापित है। मुख्य वेदी के दोनों तरफ बाबा क्षेत्रपाल और माता पद्मावती की प्रतिमा भी विराजमान है। इस नसिया जी में चांदीवाड़ा के नाम से एक विशाल परिसर है, जिसमें एक भव्य अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ एक विशाल भव्य हॉल भी निर्मित है, जिसका उपयोग शादी विवाह और कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। नागौर शहर के एक विशाल भूभाग पर श्री दिगंबर जैन 9 छत्रिया स्थित है। इस परिसर में कई मुनि आर्यिका भट्टारक जी की छत्रिया एवं चरण चिन्ह है। यह स्थल नागौर का दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। नागौर शहर के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में नागौर और कोलकाता निवासी स्वर्गीय श्री मिलाप चंद जी छवरी देवी पाटनी एवं उनके सुपुत्र श्री दिनेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अखिलेश जी पाटनी का काफी बड़ा सहयोग रहता है। इस परिसर के द्वारा 20 पंथी नसिया जी में स्थित चांदीवाड़ा परिसर में विशाल हॉल, मुख्य गेट समेत कई निर्माण किए गए हैं। श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु 20 पंथी मंदिर के जीर्णोद्धार में भी इस परिवार का काफी बड़ा योगदान रहा है। नागौर शहर की महिलाएं आज किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में इनका योगदान है। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? हम सब महिलाएं धर्म से भी जुड़ी हैं और सामाजिक कार्य भी करती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ विलाक महिला मंडल चलता है और नमोकार ग्रुप भी चलता है। अभी बहुमंडल का भी निर्माण हुआ है नया। जो भी महाराज माताजी बाहर से आते हैं, यहाँ की महिलाएं चौके में सबसे आगे रहती है। नागौर समाज के लिए क्या क्या कार्य करती है? यहाँ की जैन समाज औषधालय चल रहा है, 100 साल से औषधालय चल रहा है, जिसमें होम्योपैथिक दवाइयों का खूब अच्छा, और मरीज लोग भी खूब आते ही हैं, और तरह तरह के भवन हैं। सब समाज के अलग अलग अपने मंदिर में भवन है, और भोजनशाला चलती है, वाचनालय चलता है यहाँ पे, और अच्छी मतलब जैन समाज मिलकर जुल के अच्छा सब कार्य करती रहती है। युवा पीढ़ी के समाज के प्रति क्या योगदान है? युवा पीढ़ी का समाज के प्रति बहुत अच्छा योगदान है। जैसे 2003 से हम लोग
हर साल समेत शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं और इस साल तो लगभग 200 से ज़्यादा यात्री समेत शिखर जी की यात्रा करेंगे, जो कंप्लीट एक 2003 के बाद में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मान्य होगा। और जब भी साधु संत नागौर शहर में आते हैं तो उनके आवागमन और उनके विहार तक का सारा दारोमदार युवा पीढ़ी ही संभालती है। नागौर शहर पहुंचकर हमें प्राचीनता के साथ आधुनिकता और धार्मिक भाव का अनुभव हुआ। अगर अभी तक आपने इस शहर की गलियों में नहीं घूमा है और ना ही इस प्राचीन मंदिरों और ग्रंथों के दर्शन किए हैं, तो आज ही नागौर आने का कार्यक्रम बनाइए और इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।